उत्तराखंड सरकार बागवानी को बढ़ावा देने की मंशा से करोड़ों रुपए खर्च कर रही है। वहीं दूसरी ओर विकास नगर तहसील क्षेत्र में लगातार हरे भरे आम के पेड़ काटने का मामला सामने आया है। ढकरानी के वार्ड नंबर 15 में सूखे पेड़ों की आड़ में हरे भरे आम के पेड़ों पर कुल्हाड़ी चलाई गई। मीडिया की सूचना पर उद्यान विभाग के सेंट्रल दल प्रभारी डॉक्टर वेद प्रकाश ने बताया कि 5 आम के सूखे पेड़ लगाने की अनुमति ली गई थी, जिसका झुकाव आवास की तरफ है, लेकिन मौके पर देखा गया कि वो पेड़ काटे गए हैं। पेड़ के आसपास कोई भी आवासीय मकान नहीं है, ना ही पेड़ सूखे हैं और हरे भरे पेड़ों पर आरी चलाई गई। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरह पेड़ों को काटा जा रहा है। कुछ महीने पहले भी इस बाग से हरे भरे आम के पेड़ काट दिए गए थे। अब देखना खास ये होगा कि आखिर संबंधित विभाग हरे भरे आम के पेड़ों को काटने से बचा पाएगा या नहीं, या यूं ही सिलसिला जारी रहेगा। विकास नगर से इंद्रपाल सिंह की रिपोर्ट। हाँ, परमिशन इनकी 4-5 पेड़ों की परमिशन हुई थी पहले इनकी, जो इन्होंने वो परमिशन 15 दिन का टाइम पूरा होने के बाद इन्होंने पेड़ों के कटान शुरू किया हुआ है, और संबंधित जो 2-3 पेड़ यहाँ पर को सूखे बाग में थे वो उन्होंने पहले हटा दिए हैं। तो अब इन्होंने जो 15 दिन के बाद की कार्रवाई करी है ये अवैध पाटन के तहत आएगा, और इस पर नियम अनुसार जो कार्रवाई होनी है तुरंत इस पर लागू की जाएगी।